गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 का पहला चैप्टर विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति का पार्ट 2 लेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था, एक एक वर्ड आपको समझाया था, देखा था हमने कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति क्या क्या हुई, शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुई, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुई, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम पाठ्य वस्तु जो हमने पढ़ी है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और उसके बाद हम पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद ये प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम लिखिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रथम व्यक्ति कौन थे अंतरिक्ष में, यूरी गागरिन। दूसरा प्रश्न है, मैंने प्रश्न का नंबर नहीं लिखा, आप अपने अनुसार लिख लेना, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा, यानी कि वर्ल्ड में तो यूरी गागरिन थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और जो भारतीय थे वे थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए। तो इनका नाम आएगा कल्पना चावला, ये प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। इस प्रश्न को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या अर्थ है, यानी कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आई मीन्स इंफॉर्मेशन, सी मीन्स कम्युनिकेशन और टी मीन्स टेक्नोलॉजी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक का नाम लिखिए। तो इनके जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस प्रश्न को भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं सारे प्रश्न आपके अभ्यास पुस्तिका से ही कराए हैं, जो हमने कल अभ्यास पुस्तिका में पढ़ा था, हमने सारा चैप्टर उसी में से मैंने बीच में से ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेना, लगभग सारा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको इस्पार का गठन कब हुआ, तो इसका गठन कब हुआ था, वर्ष 1962 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसरो का गठन कब हुआ था, इसरो का गठन हुआ था हमारा नवंबर 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित भारत के पहले उपग्रह का नाम लिखिए। तो पहले उपग्रह का नाम क्या है, एडुसेट, एडुसेट आप इसका नाम लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यानों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी, यानी कि जो उपग्रह भारत प्रक्षेपित करता है पृथ्वी की कक्षा में, उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो भारत ने दो प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें है, पहला है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, जिसे भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, और दूसरा है भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, जिसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। इनके चित्र मैंने आपको कल पहली क्लास में दिखाया था, ये हमारा दूसरा पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ICT का क्या अर्थ है, यानी कि ये दोबारा रिपीट हो गया, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, DRDO का पूरा नाम क्या है, T4 डिफेंस, R4 रिसर्च, D4 डेवलपमेंट, O4 ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में अगर कहें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पृथ्वी की सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल का नाम बताना है, तो आप कौन सी मिसाइल का नाम बताएंगे, पृथ्वी मिसाइल।
नेक्स्ट प्रश्न है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? अब विनिर्माण मैंने बताया था, विनिर्माण का मतलब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके क्या करते हैं, अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लिखेंगे, व्यापार एवं वाणिज्य से क्या तात्पर्य है? तो व्यापार का अर्थ क्या है, क्रय और विक्रय करना, यानी कि आपको खरीदना और बेचना, और वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्त्रों का क्रय विक्रय। नेक्स्ट प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को, जो सरकार आम नागरिक को सुविधाएं देती हैं उन सबको इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा देती हैं, यानी इसे ई गवर्नेंस या ई शासन कहते हैं, यानी कि सरकार की सारी योजनाएं आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, वहीं से आप फार्म भर सकते हैं, उसी से फ़ायदा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल शासन का क्या अर्थ है? तो डिजिटल शासन का अर्थ है सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन करना, यानी कि सबको इंटरनेट पर डाल देना, उसे कहते हैं डिजिटल शासन, जैसा अब चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्यापार और वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है, यानी नवीनतम तकनीक कौन सी चल रही है? अब चल रहा है ई व्यवसाय या ई कॉमर्स, जैसे आप कोई सामान मंगाना चाहते हैं तो आप नेट पर ही ऑनलाइन बुक कर देते हैं, कुछ कंपनीज़ हैं वे सामान आपको आपके घर तक पहुंचा देते हैं और पेमेंट भी आपका ऑनलाइन ही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, NEGP की शुरुआत कब हुई? तो NEGP की शुरुआत 18 मई 2006 में राष्ट्रीय ई शासन यानी कि NEGP की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? तो भारत का प्रथम चालक रहित विमान जिसमें चालक भी नहीं जाता, उसका नाम है लक्ष्य। आपको ये सभी प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 ई कॉमर्स कंपनियों के नाम बताओ, यानी कि उन कंपनियों के नाम जो ऑनलाइन प्रोडक्ट आपके बेचते हैं, जिनसे आप मंगा सकते हैं। तो उन 3 कंपनियों के नाम क्या हैं, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, ऐसी बहुत सी कंपनी है, आप 3 इन कंपनियों के नाम लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियाँ, यानी ई गवर्नेंस से आम जीवन में क्या फ़ायदा हुआ है? शासकीय सेवाएँ या सूचनाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती हैं, पहला तो पॉइंट यही हुआ। दूसरा, ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेही हो गई है, यानी कि आपकी पारदर्शिता आ गई है, गड़बड़ की बहुत कम संभावना हो गई है। और विद्यालय में दाखिला हो, करवाना हो, बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं एक तो हिंदी में भी उपलब्ध हैं और दूसरी ऑनलाइन उपलब्ध हैं, आप ऑनलाइन इनके फार्म भर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरम्भ कब हुआ था? तो ये कब हुआ था हमारा, दिसंबर 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न, नवीनतम चिकित्सा प्रणाली का नाम बताइए। तो नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है आपकी टेली चिकित्सा, जैसे आपका टेलीपैथी होता था ना, दूर से ही डॉक्टर बैठा हुआ बता देता था ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, अब इसी तरह की चिकित्सा प्रणाली चल रही है, दूर से ही डॉक्टर नेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से बता देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे इलाज करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चिकित्सा के क्षेत्र नवीनतम उपलब्धियाँ कौन कौन सी हैं? तो चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धि हैं, रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टामोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI, सोनोग्राफी, टेली चिकित्सा आदि, ये हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे हम, ई पोस्ट क्या है? अब भारतीय डाक सेवा ने भी ई पोस्ट शुरू कर दी है। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने सन 2001 में नवीन डाक सेवा आरम्भ की, जिसे ई पोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनसेट उपग्रह किस क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा, इनसेट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी आदि के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, 3 एल्यूमिनियम उद्योग के कारखानों के नाम लिखो। तो 3 एल कारखानों के नाम हैं, बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को, ये हमारे 3 एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेक इन इंडिया योजना क्यों शुरू की गई? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना शुरू की है, उसको कहते हैं मेक इन इंडिया, यानी कि जो भी आपको बनाना है इंडिया में आकर बनाइए। उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया।
इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनियों के साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये आभारी पाठ्य पुस्तक में से ये मेन प्रश्न है जो मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं। ये सभी प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। अब हम हमारी अभ्यास प्रश्न लेंगे जो हमारी बुक के लास्ट में है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, आधुनिक संचार का माध्यम है, यानी संचार का मतलब माध्यम आधुनिक क्या है। अब तो चिट्ठी पत्री नहीं चलती, ना पत्र चलता, ना कबूतर, यानी कि आधुनिक संचार का माध्यम है हमारा इंटरनेट। तो इस पे इंटरनेट पे निशान लगा देंगे। उसके बाद खै है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है, तो कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ कब हुआ था, ये सन 2004 में। तो सन 2004 पे आप निशान लगा देंगे। उसके बाद ऊर्जा के नवीकरण स्रोत कौन से, यानी कि नवीकरण से मतलब जो स्रोत कभी भी समाप्त नहीं होते उन्हें कहते हैं नवीकरण स्रोत। तो पेट्रोल भी हमारा समाप्त हो जाता है, डीजल भी हो जाता है, LPG भी अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा आपकी कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, इसलिए इसे नवीकरण स्रोत कहेंगे। सौर ऊर्जा पर आप निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका, व्यापार का अर्थ है, व्यापार का अर्थ क्या हुआ, क्रय और विक्रय, यानी किसी चीज़ को लेना और बेचना, वो कहलाता है हमारा व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवहन के नवीन साधन है, तो कौन कौन से नवीन साधन है परिवहन के, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, मोनो रेल, ये सब क्या है परिवहन के नवीन साधन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए, तो आपको स्तंभ कै का स्तंभ खै से मिलान करना है। सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, एक दूर दूर लोग बैठकर आपस में बातचीत कर लेते हैं काफ़ी दूर इंटरनेट के माध्यम से, तो ये हमारा संचार का साधन हुआ, यानी कि कै को दै से मिला देंगे। दूसरा है ICT, मैंने बताया था ICT क्या है, शिक्षा के क्षेत्र स्तर में सुधार के लिए योजना चलाई गई है। गय है आपका IRS का मतलब भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। इसके बाद यह पे निशान लगा देंगे। रक्षा एवं प्रतिरक्षा, इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा DRDO, क्योंकि DRDO रक्षा और प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा है। और नेक्स्ट है आपका भूरी क्रांति, भूरी क्रांति क्या होती है, जब उर्वरक के क्षेत्र में आप काफ़ी उत्पादन करते हैं तो उसे भूरी क्रांति कहते हैं। ये मैंने आपको निशान लगा दिए हैं, आप इसको देख कर निशान लगा लीजिए। और ये सभी प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न हैं जो पीछे ही आ गए हैं तो मैंने उनको छोड़ दिया है, आपको इस पाठ में केवल इतने ही प्रश्न करने हैं। धन्यवाद।